वैसे रोज सच बताओ ना कि मुझे तुमसे इस तरीके से उम्मीद नहीं थी। मतलब हम दोनों बचपन के दोस्त थे और हमने वादा किया था कि तुम अपनी जंगू की शादी मेरी बेटी के साथ करवाओगी और तुमने आज एक ड्राइवर की बहन के साथ शादी करवा दी। क्यों? मैडम मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया था। आई एम सॉरी। ओह तो ये है तुम्हारा ड्राइवर। सच बताओ ना कि जरूर इसने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू किया होगा, इसी वजह से तुम ऐसे गरीब लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो। सीरियसली भाई मुझे तो डिस्गस्टिंग लगता है। एक्सक्यूज मी यार, और वैसे भी मैंने सोचा तो था। एक मिनट जी, हो जाओ तुम, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगी, ठीक है? ओके मैडम। मैंने सोचा तो था कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे जैकब के साथ करवा दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे तुम्हारी बेटी में मेरे जंगू के लायक कोई भी गुण नहीं दिखे, तो इस वजह से मैंने शादी नहीं करवाई। अब यहाँ पर आए हो तो खा पी कर चली जाना। एक मिनट, भले ही मेरी बहू तुम्हारी बेटी के पैसों की लायक ना हो, पर हाँ खूबसूरती में मेरी बहू से तुम्हारी बेटी बिल्कुल नहीं जीत सकती, समझी तुम? डिस्गस्टिंग रोज, देखना एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम जितना उड़ रही हो ना उतना ही नीचे गिर जाऊंगी। अरे ड्राइवर कहाँ पर जा रहे हो, जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। सुना ही नहीं दिया मैंने क्या कहा तुमसे भैया? भैया भैया से इस तरीके से बात कैसे कर सकती है वो आंटी? मुनगा यूंगी, मैं अभी उनके पास जा रही हूँ। एक मिनट जिमी। आंटी आपको जूस चाहिए था ना, ये लीजिए। जंगकुक वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि शायद आपकी आंखें खराब हो गई होंगी, आपको दिखाई नहीं दिया तो सोचा मैं खुद ही उठाकर आपको दे दूँ जूस का ग्लास। और आइंदा से किसी को भी बुलाने से पहले आप आंखों में चश्मा लगा दीजिए कि किसको आवाज़ दे रहे, ठीक है ना? वाओ जीजू क्या ग्रेट शॉट मारा है, एकदम झकास। वाओ एक बार तो माँ का समझ में आते हैं, पर ये बेटा मुझे लगता है कि पूरा खानदान पागल है। वाओ जीजू क्या ग्रेट, सीरियसली आपने तो उनकी मुंह पे पूरी बेइज्जती मार डाली। जिमी ने मेरा फर्ज था। और जीजू आपने तो शादी करके फिक्स हो गए, अब मेरा क्या? तुम चाहो तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान ढूंढ कर ला सकता हूँ तुम्हारे लिए, एक सुंदर सा राजकुमार। नो 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 नो, मुझे फिर आपसे भी ज्यादा हैंडसम बंदा चाहिए। वो तो फिर मुश्किल है, फिर तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ जीजू दिस इज नॉट फेयर, ओके ना? अच्छा तुमने खाना नहीं खाया होगा तो जाकर खा लो, ठीक है? मैं तुम्हारी बहन को देकर आता हूँ। ओके ऐसे कैसे खाना खाऊंगी, अब समझ में आ गया कि ये मेरे भैया की साली है, मतलब मेरी घरवाली। ना 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 ना, क्या सोच रहा हूँ मैं? शुगा नो, शुगा क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग क्या पागल है, मतलब क्या क्या बड़बड़ करते रहते हो तुम? देखो पहली बात है कि हमें उनसे बदला लेना है। किस बात का बदला? शुभा तुम्हारे सामने तो मेरी बेइज्जती करवाई थी इसने, अब रिश्ता पक्का हो चुका है तो बेइज्जती तो बाद में भी करवा सकते इसकी। सारे लोग खाना खा रहे, जल्दी से चलो, ठीक है हमें यहाँ से निकलना भी है। चलो जी होप हमें निकलना है, ठीक है? काफी वक्त हो चुका है, मेहमान भी जा चुके हैं, हमें भी घर में ही निकलने के लिए टाइम हो जाएगा। हाँ मैडम टाइम। भैया अपना ख्याल रखना, ठीक है? और मैंने जैसा कहा ना वैसे करना, किसी को भी शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? जी भैया। दीदू आई मिस यू सो मच। जिमिन मैं भी तुझे काफ़ी मिस करूँगी, पर आप फिक्र मत कीजिए मैं आपसे मिलने के लिए आती रहूँगी। हाँ ज़रूर। मुनगा यूंगी आप कहाँ पर जा रहे हो? आप ही तो हो जो भैया की बात मुझे संभालने वाली, मैं आपको सच में काफी ज्यादा मिस करूंगी। टाइ मिस तो मैं तुम्हें बहुत करूंगी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी आप भी, और साथ में मेरे भैया का भी ख्याल रखना। ओ यार मॉम प्लीज, अगर इनका ड्रामा हो गया होगा तो मैं कार में जा रहा हूँ, ठीक है? आ जाएंगे तो बता देना। और शुगर सीरियसली काफी लंबा खम्बा ड्रामा है, रोना धोना, चलो यहाँ से। ओके जेनी चलो, टे अगर हो गया होगा तुम्हारा बात करना तो चलो जल्दी। जी।
जिन बहू, इस लड़की को इस घर के रूल्स और जंगों का रूम अच्छे से दिखाकर समझा देना, ठीक है? जी सासू माँ। मैं कुछ समझी नहीं, मतलब किस चीज के रूल्स? ओहो, तुम आज इस घर में नहीं आई हो तो तुम्हें इतना सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ठीक है? अभी देवर जी तो रूम के अंदर है, अब तुम जाओ, ठीक है? वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। और मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, ठीक है, बड़ी बहन, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? अब जाओ तुम। मैंने कहा था ना तुमसे टे कि फ्यूचर में रूम तुम्हारा हो जाएगा, और देखा हो गया। अब किसी को भी ये नहीं पता कि हमने इस रूम में पहले भी सुहागरात कर चुके हैं, और ये भी नहीं पता किसी को कि तुम्हारी सेकंड सुहागरात है। ओ नहीं 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 शायद तीसरी है ना। देखो, मुझे तुमसे कोई भी फालतू बातें नहीं करना है, ठीक है? आज हमारी सुहागरात है तो एक मिनट। वो क्या हुआ? जी देखिए, आज नहीं, वो क्या ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं कुछ। सो वॉट, आज मेरा मूड है तो। और वैसे भी अगर गलती से मेरा स्पर्म चला भी गया तो तुम तो चली जाओगी ना हॉस्पिटल अबॉर्शन करने के लिए। जी देखिए, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, मेरा महीना चालू है। आ? हमारी शादी को एक दिन नहीं हुआ और तुम्हारा महीना भी चालू हो गया? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। ठीक है, जाओ सो जाओ। वोटर जिन्हा, तुमने नाटक क्या लगा कर रखा है? कब कहूंगी तुम मामसी कि हमें यह डाइवोर्स चाहिए? कब? मैं कहने वाली थी, वो सासू माँ तो शादी की वजह से बिजी थी ना, इस वजह से नहीं कह पाई। सो मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ इसी वक्त रूम के बाहर जाओ। आप ये क्या कह रहे, अगर सासू माँ ने देख लिया तो कुछ भी बहाना बना देना, ठीक है? जाओ अब, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे घबराहट हो रही है। शांत रहो, और वैसे भी तुमने तो मुझे क्लोज आने से मना कर दिया है ना, और अगर मैं इस तरीके से आऊँ तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए प्लीज चुप, मैंने कहा ना तुमसे, देखो मैंने तुम्हारा कहना माना है, अब तुम्हें मेरा कहना माना होगा। और प्लीज मुझे काफी ज्यादा, देखिए मुझे आराम करने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो करो ना, किसने मना किया है तुम्हें? हाँ मैं क्या करूँ, प्लीज मैंने कहा रुक जाइए। नहीं मैंने कहा ना रुक जाइए, प्लीज प्लीज। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। लुक एट मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, ठीक है? और मुझे करने दो। आपने शराब पी है? सो व्हाट, मैं शराब पी हुआ कुछ भी पी हूँ, तुमसे तुम्हें क्या मतलब है? और प्लीज़ जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसे करने दो मुझे। आप जैसा निर्दयी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, और देख भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में अकेला हूँ, वन एंड ओनली, ठीक है? और अब मुझे चुपचाप करने दो जो मैं कर रहा हूँ। प्लीज देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कहा ना तुमसे। प्लीज हटिए यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है। और जो तुमने मुझे दर्द दिया उसका क्या? तुमने तुमने मेरे बेबी का अबॉर्शन किया। अबॉर्शन? तुम उस फिरंगी को पसंद करते हो ना, उस लड़के को? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा सकता, पर तुमने हमारे बीच के एक मासूम से जान का खून किया है, अब कैसे? अब कैसे? हाँ देखिए, जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ गेट आउट। जी गेट आउट माय रूम, मेरे रूम से बाहर निकलो। आउच मेरा पेट। दीदी
जिंदी यहाँ पर क्या कर रही है? जिंदी जिंदी कौन 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 यहाँ पर? कौन तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी थी। आप यहाँ पर और सोफे में क्यों सोए हो? मतलब सब ठीक तो है ना? ओहो, सब ठीक है। वो क्या है ना कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, तुम अपने फर्स्ट नाइट में ही बाहर आ गई? क्यों, सब ठीक तो है ना? और वैसे ट्रे, एक बात कहूँ, देवर जी ने तुम्हें रूम से बाहर निकाला है क्या? वो हाँ, ये तो मेरे साथ होता रहता है। सोचो कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी सेम है, उन्होंने भी मुझे रूम से बाहर निकाला है। छोड़ो यार, मैं तो यहाँ पर पक गई, तुम्हें पता है। और जब मैंने तुम्हारी और देवर जी की शादी के बारे में बात सुनी थी ना, तो मैं तो पहले ही ना कहने वाली थी, पर मेरी तो इस घर में कुछ सुनता है नहीं ना। और देखो तुम्हारी भी जिंदगी। वैसे एक बात पूछू टे तुमसे? जी पूछिए ना। तुमने अपने पेट को इस तरीके से पकड़ कर क्यों रखा है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं जी, बस पेट दर्द कर रहा था। ओ तो तुम जाओ और गेस्ट रूम में सो जाओ, ठीक है? वरना सासू माँ ने देख लिया ना तो सैलाब आ जाएगा, ठीक है? जाओ आराम करो, गुड नाइट।